हाय गाइस, एवोल्यूशन एक्स की तरफ से हमें एक नई अपडेट देखने को मिल गई है दोस्तों। ये बिल्ड जो बना है वो 16 नवंबर का बना है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ कि मेरी अपडेट मैंने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर ली है। मैं जाता हूँ अबाउट पे, और पे जाने के मैं जाता हूँ एंड्रॉइड 12 वर्जन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्ड डेट दिख रही है 16 नवंबर। इसका मतलब मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है। कि फीचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें अभी तक अपडेट का ऑप्शन नहीं मिला है, इसका मतलब हमें सिस्टम अपडेट में अभी तक अपडेट शो नहीं कर रही है। जैसे हम अपने सेटिंग में जाते थे, सिस्टम में जाते थे, तो मैं सिस्टम अपडेट यहाँ पर शो करता था। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो भी इनिशियल बिल्ड चल रहा है, ये जो मेरी अपडेट है वो तो लेटेस्ट अपडेट है, उस अपडेट में ओटी अपडेट का सपोर्ट नहीं है। तो आपको मैनुअली इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद तो आपको इसे मैनुअली फ्लैश करना होगा। जैसे मैंने अपडेट को फ्लैश कर चुका हूँ और आपके सामने अपडेट आप देख सकते हैं, तो आपको ऐसे अपडेट अपना फ़ोन करना होगा। गाइज, अब इसके फीचर की बात करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें इतना बड़ा भी कोई चेंज नहीं आया है। जो जो फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं, जो जो चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो चेंज हमें जो देखने को मिला वो मिला हमें कर्नल वर्जन का। तो हमें जो इसका कर्नल वर्जन मिला है वो सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हमें कौन सा देखने को मिला है। अबाउट फोन एंड्रॉयड 12। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमें जो कर्नल वर्जन देखने को मिला है वो हमें सोविट स्टार का देखने को मिलता है। पहले हमें जो कर्नल वर्जन देखने को मिलता था वो मिलता था पफ का। तो गाइज, इस बार हमें कौन सा कर्नल वर्जन देखने को मिला है? सोविट स्टार का। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिला है। एंड गाइज, इसमें एक चीज़ को और ऐड करा गया है। जैसे मैं अगर इसे डाउन करता हूँ और यहाँ पर राइट स्वाइप करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा FS इन्फो। FS इनको जैसे मैं इनेबल करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे FS का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इससे पहले वाली अपडेट में FS इन्फो हमारा था बट उसे हटा दिया गया था, तो फिर से इसको ऐड कर दिया गया है। और आने वाली अपडेट में और भी फीचर्स ऐड करे जाएंगे। अभी हमारा FS इन्फो को ऐड करा गया है। एंड गाइज, एक बात मैं और आपको बता दूँ, जैसे आप इसे अपडेट कर लेंगे और मान लीजिए जैसे आपने फ़ोन को रीस्टार्ट करा, जो जैसे अपना फ़ोन रीस्टार्ट करेंगे तो आपको जो अपना फ़ोन है वो 30 सेकंड तक लैगी फील होगा। इसका मतलब आपको जो फ़ोन का जो फ्रेम रेट है वो आपके 25 to 30 पे ही चलेंगे। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये मैंने फेस करा है। और ये मैंने ही नहीं, मैंने इनके ग्रुप में जाके पूछा था तो बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि यही ऐसा हो रहा है कि जैसे हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे जो फ्रेम ड्रॉप होते हैं हमारे, और वो 25 to 30 पे स्टक हो जाते हैं। उसके बाद जब आप 30 सेकंड अपने फ़ोन को ऑफ कर देंगे तो गाइस आपके जो फ्रेम है वो 60 FPS पे फिर से आ जाएंगे और आपका फ़ोन सही से वर्क करेगा। तो गाइज, हो सकता है कि एक बग हो बट ये क्विक फिक्स हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइज, में ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। एक चीज़ हमें और देखने को मिला था, जैसे हम सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद मैं अपनी बैटरी पर जाता हूँ, तो गाइज बैटरी पर जाने के बाद आपको जो थर्मल प्रोफाइल्स देखने को मिलती थी गाइज, वो यहाँ से हटा दी गई है। थर्मल प्रोफाइल्स का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। एंड गाइज, अगर मैं द इवॉल्वर पर जाता हूँ और मैं जाता हूँ स्टेटस बार पर, तो गाइज स्टेटस बार पे आपको कैरियर लेबल का ऑप्शन एक देखने को मिलता है। बस दोस्तों, आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं नए नए फीचर्स, जो कि आपको नवंबर 16 के बिल्ड में देखने को मिलती है। और गाइज, एज सच इसमें कोई चेंज नहीं है। स्मूथ में कोई UI लग रही है मेरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी हमारा कर्नल वर्जन सोविट स्टार का है, तो हम गेमिंग में करके देखेंगे कि हमें इसमें कैसा स्कोर देखने को मिलता है। तो गाइज, एज सच नो बिग चेंज, बस थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड करे गए हैं। एंड आने वाली अपडेट्स में और भी फीचर्स को ऐड करे जाएंगे। मुझे लगा था कि हमें इसमें ऐप लॉक का ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाएगा, बट अगर मैं सेटिंग में जाकर आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी बचाता हूँ, तो आपको ऐप लॉक का अभी भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एवोल्यूशन एक्स वालों से कि ऐप लॉक का ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ रहा है अपने एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए। तो गाइज़, बस इसमें इससे ज़्यादा और कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर और भी कोई चेंज देखने को मिलता है, भी अपडेट हमें कोई देखने को मिलती है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा। एंड अगर आपको कोई चेंज देखने को मिलता है एंड अगर मुझसे कोई छूट गया है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप मुझे बताइए, मैं आपसे सीखूंगा, आपको बताऊंगा, एंड ऐसे ही हम सब मिलके चलेंगे। तो गाइज, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।